चलिए आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो बैंकिंग पढ़ाते समय मैंने आपको एक चीज ये पढ़ाई थी कि सर बैंकिंग में अगर हम बात करते हैं किसकी, बैंकिंग में हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं, तो शेड्यूल्ड बैंक में अगर देखा जाए तो तीन कैटेगरी बताई थी मैंने। एक मैंने कमर्शियल बैंक बताया था, देन मैंने RRB बताया था, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं। इस RRB की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर RRB के केस में अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ ये समझ में आती है रीजनल रूरल बैंक में कि सर 1975 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास में भी हमने इसी प्रकार से डिस्कस की थी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट है लेकिन हमने कहाँ पर पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो RRB के एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1975 में, इसका रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। 1982 में एक संस्थान स्थापित होता है जिसको नाबार्ड बोलते हैं, और ये नाबार्ड जो है वो स्थापित हुआ 1982 में, और इस RRB को उठाया और नाबार्ड के अंडर में कर दिया। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि भाई नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ है, वो हुआ है 1982 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये 1982 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने वहां पर डिस्कस किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 जो है वो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि सर सिडबी की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई थी। मैंने आपको ये बताया था नेशनलाइजेशन पढ़ाते समय कि सर कुछ बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनका दो चरणों में अगर आप देखेंगे तो नेशनलाइजेशन नजर आता, मेजर नेशनलाइजेशन 1969 और एक मैंने आपको बताया था 1980 है ना। जो अगला क्वेश्चन मिलेगा वो यहीं से आपको मिल जाएगा। 6 बैंक हैं और यहाँ पर 14 बैंक हैं जो 50 करोड़ से स्टार्ट हुए थे। फिर जब हम कहाँ पर पहुँचे थे, हम पहुँचे थे 19 पर, और 19 के बाद फिर मैंने एक जोड़ा था और मैंने जोड़े थे यहाँ पर 6। तो ये 6 में मैंने आपको बताया था कि एक बैंक काम कर, मतलब एक बैंक है उसमें से IDBI बैंक पहले जिसको सरकार के द्वारा ही गठित किया गया था, वो IDBI बैंक निकला था कहाँ से, SIDBI से। ठीक है, वो कहाँ से निकला था, वो निकला था IDBI बैंक कहाँ से निकला था, वो निकला था SIDBI से। तो SIDBI क्या है, SIDBI की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या IDBI जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये SIDBI जो है इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1990 में। तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा जो भी डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर, मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में आप एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 53 सीक्वेंस से ही तीन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर 1980 में कितने बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है। तो मैंने डायरेक्टली बोला था कि भाई ये याद रखना, और ये कैसे बैंक थे, ये 200 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट होने वाले बैंक, तो ये भी पॉइंट आपको याद थे। अगर 14 पे आप टिक करते तो ये कब हुए हैं, ये हुए हैं 1969 में, राइट। तो वो गलत हो जाता, तो 1980 पूछ रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 53 के बाद अगला अगर हम बात करते हैं तो फिर मैंने RBI पढ़ाते समय है ना, है तो वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 66, राइट। RBI पढ़ाते समय मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, और मैंने बोला था कि भाई RBI में करंट में जो गवर्नर है उनका नाम क्या है। तो RBI में करंट में जो गवर्नर है, क्वेश्चन नंबर 66 पे हम चलते हैं, उनका नाम है क्या, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, और जब मैं ये बता रहा था कि करंट गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास हैं, उसी टाइम पे मैंने आपको ये बोला था कि भाई देखो ऐसा है, अभी हाल ही में जून में है ना एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया था, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो है वो हमारे कंट्री के RBI के करंट गवर्नर जिनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास जी को मिला है। तो ये पॉइंट मैंने आपको वहां पर बताया था है ना, तो इसलिए ये याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जिन्होंने भी लगाया है उनका आंसर जो है वो करेक्ट है। अब शक्तिकांत दास तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, भारत के है ना, भारत के सेंट्रल बैंक के करंट गवर्नर हैं। तो ये याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो गया था, 66 का इंडिया हो गया था, भारत हो गया। 66 के बाद अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 मैंने आपको PDF के फॉर्म में जो चीज़ें दी थी याद करने के लिए है ना, फैक्ट के फॉर्म में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे याद करने के लिए, उसमें ये आपको मिला होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 86
चलिए ये तो बता दिया गया है ना, सी रंगराजन जो है वो यहाँ पर हैं, तो हमारे उसमें आपको ये देखने को मिले होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो हम चलते हैं आईसीटी पर, और आईसीटी में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, वो है 91 में अगर हम बात करें तो साइबर में फायरवॉल को पढ़ाते समय मैंने आपको क्या बोला था कि भाई देखो ऐसा है एक सिस्टम, ऐसे है एक वॉल है यहाँ पर, जब भी आप किसी इंटरनेट को यूज़ करते हो तो वहाँ से कुछ फाइलें तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाती हैं, लेकिन कुछ फाइल ऐसी होती है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वो क्या हो रहा था, ये वॉल ही उससे रक्षा कर रही थी। दो फॉर्म में, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी होता है और हार्डवेयर के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फायरवॉल जो है वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, जो अनऑथराइज्ड यूजर है वहां तक आपको उनसे बचा रहा है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखते हैं तो 91 का राइट आंसर जो है वो एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच से अवरुद्ध करना, ये इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 92 भी अगर आप देखोगे तो फ्लिप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन, ठीक है, ये क्या हो रही है, ये कंपनी है, और कंपनी सीधे कहाँ पर, ये कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो सीधे किससे, कस्टमर से। और मैंने आपको ये बोला था कि भाई जब ई कॉमर्स की बात आती है तो वहाँ पर कंपनी को हम किससे डिनोट करते हैं, बिजनेस से, बी से, और बिजनेस का संबंध यहाँ पर साझेदारी किसके साथ नजर आ रही है, कस्टमर के साथ में। तो ये क्या था, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होता है 92 का, वो हो जाता है सी ऑप्शन। देन अगर हम बात करते हैं तो बात आती है 93 की। 93 में अगर आप देखिए तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर है, कन्फ्यूजन इन द सेंस क्वेश्चन के आधार पर, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारा लॉजिक क्या कहता है वो देखिए। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल होता है। अब आपके पास, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास में एक कॉल आता है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया था, और आपको बोला कि भाई आप 5 लाख रुपए जो है वो जीत सकते हैं अगर आप इस क्लिक पर, इस लिंक पर क्लिक करके, और ये सही जवाब दे देते हैं कि भीम बेटिका जो है वो किस जिले में है। आपको लगता है कि सर ये तो बहुत बढ़िया था, तो हमने इस तरीके से इसको डिस्कस किया था। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था फिशिंग, फिशिंग में जहां पर हम क्या करते हैं, जाल डालता है कोई भी अटैकर, ठीक है, जो जाल डालकर और आपको डेटा को एक्सेस करने की कोशिश, तो यहाँ पर दाना फंसा रहा था, आपके साथ छल कर रहा था, एक्चुअल में उसके पीछे मनसा कुछ और थी, हमने इसको ऐसा डिस्कस किया था। तो ये एक पॉइंट है जिसके कारण से प्रोबेबिलिटी बन रही है कि फिशिंग हमला जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे जब तक हम आयोग की आंसर शीट नहीं आ जाती है तो ज्यादातर केस में आप देखिए तो फिशिंग ही, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आपको ये बताया जा रहा है कि एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी बन रही है, वो फिशिंग अटैक की बन रही है। बात समझ में आ रही है, ये भी एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर फिलहाल आप मान के चलिए कि वो क्या है, वो फिशिंग है। ई कॉमर्स की बात करें, डायरेक्टली मैंने आपसे बोला था कि भाई देखो ई कॉमर्स है, फायदा क्या है, फायदा है सर कि अगर हम प्रोड्यूसर के या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दुकान सच ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमने सामान को रखा और जैसे ही ऑर्डर आया वहां से पैक वैक करके उनको क्या कर दिया, पहुंचा दिया। दूसरा मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि 10 बजे तो काम खत्म, आप घर पर बैठकर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे 24/7 आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 24/7 कार्य करने की क्षमता जो है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत देखी जाती है। बात समझ में आ रही, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 94 का ए हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ये मैंने आपको डायरेक्टली तो नहीं बताए थे लेकिन हमने जेम के बारे में भी चर्चा की थी। और ये याद रखिए कि एमपी टेंडर हो गया, जेम हो गया, एमपी एलयूएन हो गया, ठीक है, ये तीनों जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहे हैं कि सर सरकार की सेवाओं के या सरकार को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसी गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट एजेंसीज के साथ में तालमेल के लिए ई फॉर्म में टेंडरिंग या प्रोक्योरमेंट के लिए ये यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही चीज है जो क्या हो रही है, जो सरकार की सेवाओं को सिटीजन को प्रोवाइड कर रही है वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये तीन चीजें तो सेम हो गई, बचा क्या, एमपी ऑनलाइन, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। इसका राइट आंसर क्या हो गया, एमपी ऑनलाइन हो गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये याद रखिए कि सर निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो DSL है, इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है तो वो DSL कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे DSL। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि वह संघ प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है ना, ये एक तरीके से आप देखो डिकोडिंग है, ठीक है। तो इसको हम विसंकेतन कहते हैं, तो ये याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो बी होता है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, डायरेक्टली मैंने आपको बार बार फोर्स करके बोला था कि भाई चार नाम देगा उसमें से पूछेगा कि वेब ब्राउजर नहीं है या सर्च इंजन नहीं है, तो ये नाम जो मैंने 20-25 लिस्ट आपको यहाँ पर समझाई थी उसमें से मैंने बोला था कि ये लिस्ट जो है वो जरूर याद रखना, हालांकि ये बहुत कॉमन सा पूछा था। इसका राइट आंसर जो है वो याहू है, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो बहुत ही आसान था, हमने देखा था, क्या हमने पढ़ा था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने बोला था फर्स्ट जो है वो वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहा है, सेकंड जो है वो ट्रांजिस्टर यूज कर रहा, थर्ड जो है वो IC यूज कर रहा, फोर्थ जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा, और फिफ्थ जो है वो यूज कर रहे थे AI। ये पूछा हुआ है ना डायरेक्टली, तो आंसर लगाइए ट्रांजिस्टर। कौन सा पूछा है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, राइट आंसर ट्रांजिस्टर। फ्री का नंबर था भाई, है ना, ले लिया होगा आप लोगों ने। लास्ट देखें, ये भी डायरेक्टली मतलब फैक्ट के फॉर्म में आपको दिया था, ChatGPT का विकास किसने किया, तो AI जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर जो फैक्ट मैंने बताए थे ChatGPT OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया है। राइट आंसर जो है वो इसका क्या है, 100 नंबर का अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो बी, OpenAI, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन जो है वो हमारे क्लास से आए, ठीक है। चलिए, कुछ डायरेक्टली पूछे गए हैं, कुछ इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन बने होंगे, है ना, मुझे पूरी आशा है कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो सही किए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, मेंस की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ स्कोर हमारे कम रह गए हैं, नंबर कम रह गए हैं, तो दुखी मत होइए, अप्रैल में फिर से एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से करिए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।